नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज पूरा देश 2019 की राजनीति, मंदिर मस्जिद, अगड़े पिछड़े और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों में व्यस्त है। लोग इन मुद्दों में इतनी बुरी तरह डूबे हुए हैं कि उन्हें जीवन के असली मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी खबरें भी दिखाई नहीं दे रही। आज हम ऐसे सभी लोगों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि आप मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और राजनीति पर बहस तभी कर पाएंगे जब आप जिंदा बचेंगे। कल हमने आपको बताया था कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों में कितने जहरीले रसायन हैं और किस तरह आप अपनी रसोई में सब्जी के साथ साथ कैंसर पका रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद पूरे देश के लोग डरे हुए हैं और चिंतित हैं। बहुत सारे लोगों ने आज सब्जियां नहीं खरीदी और बहुत सारे लोग हमसे लगातार ये भी पूछ रहे हैं कि इसका इलाज क्या है, वो क्या करें, सब्जियां खानी बंद कर दें। और हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हमें संदेश भेजे और अपनी चिंता जाहिर की है। इसलिए आज हमने देश के कई शहरों से रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्टिंग में हमने समस्या दिखाने के साथ साथ समाधान ढूंढने की भी कोशिश की है। ये बिल्कुल नया विषय है और नई समस्या है, और आज हम तमाम एक्सपर्ट्स की मदद से इस पर लगातार काम कर रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने अब तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि हो सकता है सरकारों ने जब कानून बनाए होंगे तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फलों और सब्जियों के जरिए भी आपके शरीर में जहर जा सकता है। एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा जब फलों और सब्जियों की भी ऐसी हालत हो जाएगी। सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना को खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहा है कि एक साथ चुनाव का कोई चांस नहीं है, बिना कानूनी ढांचे के दोनों चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं, जबकि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने दोनों चुनाव एक साथ कराने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी सरकार में बिचौलियों की कोई जगह नहीं है और गरीबों तक पूरा पैसा पहुंच रहा है। गुजरात के वलसाड में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक हर भारतीय को घर मुहैया कराने की मुहिम में जुटी है। 1 लाख से भी अधिक परिवारों को, बहनों को उनके नाम से अपना घर मिले, मैं समझता हूँ रक्षाबंधन का इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। वलसाड में स्थानीय महिलाओं ने प्रधानमंत्री को 12 फीट की राखी भेंट की। पीएम गांधीनगर में गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने करीब 100 दिनों के बाद फिर से वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। सूत्रों के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद जेटली ने डॉक्टर से इजाजत लेकर अपना कामकाज संभाला। पहले दिन अरुण जेटली ने वित्त सचिव हसमुख अधिया समेत कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। 14 मई को अरुण जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसी दिन जेटली के कामकाज की अंतरिम जिम्मेदारी रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी। तब से जेटली बिना मंत्रालय के मंत्री बने हुए थे। मंत्रालय से छुट्टी के दौरान जेटली सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस की रैली के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने की वजह से नवजात बच्चे की मौत के मामले में राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के एसपी को विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन कर इस घटना की जांच कराने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एसपी सोनीपत ने इस सारे मामले की जांच करने के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है और उसको कहा है कि आज ही वो रिपोर्ट दें। बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर की रैली के दौरान बच्चे को इलाज के लिए ले जा रही एम्बुलेंस आधे घंटे तक सोनीपत के कुंडली में जाम में फंसी रही। बाद में रोहतक के अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। हालांकि अशोक तंवर का कहना है कि बच्चे की मौत की वजह एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और पैरामेडिकल स्टाफ का नहीं होना है।
सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल का कामकाज संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने सत्यपाल मलिक को शपथ दिलाई। बिहार के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने एनएन वोहरा की जगह ली है। 50 साल में पहली बार किसी राजनेता को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है। सत्यपाल मलिक से पहले करण सिंह आखिरी राजनेता थे जिन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था। करण सिंह 1965 से 1967 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इससे निश्चय ही सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक नई पहल का भी अवसर रहेगा और एक नया विश्वास जागने की भी उम्मीद रहेगी। जी टंडन ने आज बिहार के 39वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। केंद्र सरकार ने दो दिन पहले 7 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की थी।